हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सभी का वेलकम करता हूं मैं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दोस्तों यहां की लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी दोस्तों आज हम जिनके पास आए हैं उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी लाइफ से, और उसके बाद जाके कहीं वो सक्सेस हुए, और आज वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए उन्होंने कितने कामों को छोड़ा है, कितने काम करे हैं। मतलब इंसान कितने सारे काम करता है और हार मान के घर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने काम करते रहे, सक्सेस हुए नहीं हुए फिर दोबारा करते रहे, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी ये सोचते रहे, और फाइनली उन्हें सक्सेस मिली। तो गाइस अब फाइनली हम अंकल जी से एक बार बात करेंगे, और एक बार आप इनकी स्टॉल देखिए किस तरह की है इनकी स्टॉल। और आप देख सकते हैं कितने पुराने इनके बर्नर हैं सारे, जिनके अंदर सारा सामान है। ये आपकी मुरमुरे, कचौड़ी, नमकीन और आपकी ये बूंदी, ये सब स्टॉल है इनके। देखिए किस तरह के, जो कि शायद मुझे लगता है और कहीं शायद आपको ये देखने को ना मिले, और इतनी पुरानी जो चीज़ें हैं इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। तो भाई अब चलते हैं अंकल जी से एक बार बात करते हो। तो ये देख सकते हो अंकल जी के भाई भी मिले हमें, और अच्छा इनके परमानेंट ग्राहक हैं जी। अच्छा आप इनके परमानेंट ग्राहक हैं? नहीं, कई साल से। अच्छा तो आपको मतलब कैसा टेस्ट लगता है यहाँ पे? टेस्ट क्या जी, बस गॉड गिफ्ट है इनको। अच्छा टेस्ट नहीं, गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है वो। मैं देख ही रहा हूँ कि लोग बाग इनके से पैक करा करा के ले जा रहे हैं, कहीं पे खा रहे हैं। खाने वाले बहुत आते हैं। हाँ खाने वाले बहुत आ रहे हैं, तो टेस्ट है तभी आ रहे हैं। मैं आनंद विहार से आता हूँ इनसे लेने। अच्छा अच्छा, आनंद विहार मीन्स 20 किलोमीटर। अच्छा 20 किलोमीटर से आप यहाँ पे आते हैं? अच्छा जी, तो आप देख सकते हो कि अंकल जी की फैन फॉलोइंग कितनी अच्छी है, लोग इनके खाने को कितना पसंद करते हैं, जो कि इतनी दूर से खाने के लिए स्पेशली आते हैं भेलपूरी, और हम भी ट्राई करेंगे। तो करते हैं अंकल जी से बात एक बार और पूछते हैं अंकल जी की जवानी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी पहले तो नाम बताइए हमारे दर्शकों। मेरा नाम सुनील सेठी। सुनील सेठी? सेठी। अच्छा सेठी, मुझे कंफ्यूजन हो गया, सुनील सेठी नहीं, सेठी अलग होते हैं, सेठी अलग होते हैं। सेठी साउथ इंडियन है, सेठी पंजाबी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंकल जी कितना टाइम हो गया आपको इस काम करते हुए? तो ये बताओ कितने टाइम बचा है लगाने में? नहीं नहीं, अभी तो बहुत बचा है वैसे, फिर भी कितना टाइम हो गया? 36 साल हो गए। 36 साल हो गए। अच्छा ये सब बर्तन जो आपके सारे पुराने हैं इतने? बहुत ज़्यादा लगते हैं मेरे को, शायद जब से आपने खोला तब से यही है। हाँ यही है, क्योंकि मैंने कहीं और ये स्टॉल देखी नहीं इस तरह की कहीं पर भी। ऐसा है, इनको मैं शनिवार वॉश करता हूँ। अच्छा, शनिवार रात, एतवार सारा दिन ये खाली पड़े रहते हैं, ताकि इसको जितने पानी निचड़ जाए खत्म, पूरा रेस्ट अच्छी तरह सूख जाए, फिर उसके बाद मंडे सुबह इसमें माल डालते हैं। मंडे माल डालते हो आप इसको? तो अंकल जी आपके पास जो इस फेमस है आपकी ये भेलपूरी है। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या डालते हो आप, क्या क्या बनाते हो? ये जी भेलपूरी है, ये मुरमुरा है, मैं अभी आपको बना के बताता हूँ। बिल्कुल बना के एक बार हम भी ट्राई करते हैं अंकल जी का जो भी है इसमें क्या चीज़ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अंकल जी इससे पहले कुछ और स्टार्टअप आपका कुछ और करा? मैंने बहुत कुछ किया बेटा, लेकिन किसी में कामयाबी मिली नहीं। अच्छा, लास्ट फिर इसको मैं करना नहीं चाहता था, क्यों रेडी पे मैं रोड पटरी पे आना नहीं चाहता था। अच्छा, लेकिन मजबूरी कुछ बचा नहीं तो पटरी पे आना पड़ा। अच्छा, इसको लगाते ही ऊपर वाले का सीधा आशीर्वाद मिला मेरे को। अच्छा, लगाते ही कामयाबी मिली, तो इसलिए तब से इसी में ही रुका हूँ। तो फिर खुश हो आप अपने इस काम से? मतलब हाँ, लगभग मेरी लाइफ अच्छे से भी। चलो ये तो अच्छी बात है, लाइफ में लाइफ अच्छी निकल गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी आपकी साथ में सपोर्ट करने वाला कौन है आपको? मेरी मिसेस है। आपकी मिसेस आपको सपोर्ट करती है इसमें? अच्छा, मतलब सारा सेटअप वगैरह वही करवाती हैं? अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। तो कितने रुपए की प्लेट अंकल जी ये? 50 रुपये भेलपूरी, 50 की, सेवपूरी 70 की। अच्छा सेव पूरी 70 रुपए की है? पूरी 70 की है भेलपूरी। सेव पूरी दिन में 2-4 ही बिकती है, ज़्यादा नहीं बिकती। अच्छा, ज़्यादा मेन काम भेलपूरी का? मेन भेलपूरी का। और पैकिंग कराएंगे तो उसके कोई अलग चार्ज? नहीं कोई अलग चार्ज, सेम चार्ज। सेम चार्ज। चलो ये भी अच्छी बात है, बल्कि पैकिंग में सामान ज़्यादा जाता है, लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा पैकिंग में ज़्यादा फायदा है, ये भी नोटिस करना। नहीं मुझे नहीं, कस्टमर को ज़्यादा। हाँ उनको ही कह रहा हूँ मैं, कस्टमरों के कह रहा हूँ। इसको बनाने जाऊँगा तो 2.5-3 प्लेट बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी पैक हो गई, कितनी प्लेट होगी अंकल? ये 2 प्लेट बताओ। 2 प्लेट और अभी बनेगा, 2 प्लेट में इससे कम आएगा थोड़ा सा, और पैकिंग में ज़्यादा है। तो हम भी ट्राई करते हैं एक बार अंकल जी की भेलपूरी, और आपको टेस्ट बताते हैं किस तरह का है इनका टेस्ट। और दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सिस्टम इनका, क्योंकि टेस्ट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। बाकी ट्राई करते हैं एक बार। तो भाई हमारे कुछ भाई खा रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं कि कितने टाइम से खा रहे हैं या फर्स्ट टाइम है, और अभी खाया तो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं एक बार पूछते हैं। हेलो भैया। हेलो। तो भैया आप ये भेलपूरी खा रहे हो, तो कैसी लगी आपको भेलपूरी? देखिए वैसे तो ये काफ़ी टेस्टी है, मैंने ऐसा कभी पहली बार तो फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। बिल्कुल। एक बार ही खाई थी तो मैंने वो इंद्रप्रस्थ में खाई थी, वो उसके टक्कर में, मतलब अभी कह सकते हो कि उसके टक्कर में ये भेलपूरी है। अच्छा। और इनकी जो सबसे खास चीज़ है ना, वो इनकी चटनी है, जो हरी चटनी और मीठी चटनी का स्वाद है, बस उसका स्वाद इसके अंदर काफ़ी है। बिल्कुल। और जो मूंगफली है बाकी वो तो हर जगह नॉर्मल होता है। नॉर्मल है। और मैं भी इनका फर्स्ट टाइम ट्राई करने आया हूँ। आज फर्स्ट टाइम आया हूँ? फर्स्ट टाइम ही आया। अच्छा, तो आपको मतलब अच्छी लगी? अच्छी लगी बस। तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इनको? 10 में से एकदम रियल, हमारे व्यूवर्स को बताओ रियल। 10 में से 7.5। साढ़े सात। चलो कोई नहीं, जो भी है अच्छा है, एकदम रियल रिव्यू होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि 10 out of 10 देना भैया हमें, तो नहीं जोड़ दे दो चाहे 10 on 10 तो कहीं नहीं मिलता, 9 बिल्कुल 9 मिलता या वो तो है ही। खैर बाकी आपको अच्छी लगी ना, बस मेन चीज़ क्वालिटी सारी अच्छी है। और आपने पहले जहाँ खाई थी उसके कंपैरिजन में अगर पैसों की बात करूँ तो, वो पैसे के बारे में कहे तो आप ये कह सकते हो ठीक ही है, 50 रुपये का चीप एंड द बेस्ट है, सही है ना, मतलब 50 में पहला पैसा वसूल है, कैसे मतलब रोड पे ऐसी चीज़ मिल रही है चलते फिरते बंदों को, तो टेस्ट अच्छा मिल जाए रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं और इनकी जो चटनी है ओरिजिनल है बिल्कुल, हाँ और जगह थोड़ा उस तरह से नहीं होता, लेकिन सही बात है क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ बनाती है चटनी और एक चटनी खुद बनाते हैं, तो उसका एक अलग है। मैं यहाँ पे पहली बार आया। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू भैया, स्पेशलिटी की डिश, ठीक है भैया, थैंक यू। तो भैया ने खाया, अब हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं और हम भी खाते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का जो टेस्ट है, तो एक बार हम भी टेस्ट करते हैं। चलिए ये मुरमुरा, ये मुरमुरा डल गया, ये पापड़ी, ये पापड़ी, ये सेमिया, सेमिया हाँ जी, अच्छा ये बूंदी, बूंदी, ये दाना, ये दाना, ये प्याज, ये प्याज लगी, और ये आलू, हम साल में 8 महीने हल्द्वानी का यूज़ करते हैं, एक अगले महीने और मिलेगा, अच्छा। उसके बाद ये 4 महीने नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ से करोगे आप? वो फिर कोई जो आलू पंजाब का आए, इंदौर का आए, जो भी आए वो यूज़ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंदौर जो शिमला का आलू है ये साल में 8 महीने मिल पाता। अच्छा तो इसका मतलब क्या फ़ायदा क्या है? ये सबसे अच्छा आलू होता है, सबसे हल्का होता है, सबसे बढ़िया होता है, अच्छा। इसमें ख़राब नहीं होता, खाने में थोड़ा लजीज होता है। अच्छा मतलब टेस्ट आता है। अच्छा ये हल्द्वान, कोई हल्द्वानी कहता है, कोई शिमला कहता है, कोई पहाड़ी कहता है, इससे बढ़िया कोई आलू नहीं, इससे बढ़िया कोई आलू, इससे बढ़िया मेरे 36 साल की लाइफ में तो इससे बढ़िया कुछ। हाँ नहीं बिल्कुल, आप चला इसके अलावा बिल्कुल साफ सुथरा अंदर से आलू निकलता है। हाँ बिल्कुल, मैं देख बिल्कुल कोई गंदगी नहीं होती, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और लंबाई में आलू होता है, हर आलू थोड़ा आलू नहीं, लंबाई में आलू होता है, सबसे बेहतरीन आलू है, बिल्कुल सही बात। ये तीखी चटनी है जी, ये कौन सी चटनी है? मिर्ची वाली, मिर्ची की चटनी, इसको मैं बनाता हूँ। अच्छा इसको आप बनाते हो? ये मीठी चटनी है। अच्छा ये मीठी चटनी, इसको मेरी मिसेज बनाती है। अच्छा दोनों ऐसा क्यों अलग अलग कि आप वो एक टाइम में आदमी दो चटनियां तो नहीं बना। अच्छा 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 ठीक है नहीं ये बात, ये कच्ची चटनी होती है इसको मैं बनाता हूँ, ये पक्की चटनी होती है ये किचन में बनती है। अच्छा ये किचन में, ये गैस के ऊपर बनेगी या किसी भी आंच के ऊपर बनेगी, ये पक्की चटनी होती है। अच्छा ये कच्ची होती है, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। अच्छा लाल वाली की मीठी, ये 15 दिन ऐसे बाहर पड़ी रहे, 20 दिन पड़ी रहे, खराब नहीं होती, इसको फ्रिज का सहारा चाहिए, इसको फ्रिज चाहिए, इसको फ्रिज चाहिए। अच्छा ये बात, मिर्ची वाली चटनी को फ्रिज चाहिए। अच्छा क्योंकि ये कच्ची होती है। ये लेमन है जी, ये आ गया हमारा लेमन। हाँ लेमन हम अच्छी क्वालिटी का ही लाते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े साइज का है, इतने बड़े साइज का मैं देखता नहीं हूँ अक्सर। और ये अंकल जी को बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं, ये बंदर कुछ ज़्यादा अंकल जी हैं। हाँ ये तकरीबन 1 महीने से आने शुरू हुए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए। अच्छा ये पूरा का पूरा झुंड है, पूरा झुंड ही है ये तो, पूरा बच्चे उसके साथ फैमिली लेके आए, अभी तो आधा झुंड सामने बैठा है, तो सामने की तरफ चलो अभी इनको मूंगफली डालो तो सारे इकट्ठे इतने 100 बंदर से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारा अब रेडी हो गया अंकल जी? हाँ जी बिल्कुल तैयार हो गए जी ये तो। क्या बात है क्या बात। अच्छा प्लेट से भी ऊपर तक भर देते हो आप? प्लेट से ऊपर तक जाती है, चलो ये तो अच्छी बात है, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। तो भाई आ चुकी है हमारी बेलपुरी, और बेलपुरी का आप साइज़ देखिए पहले तो कितना ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी की बात करूँ तो भाई बहुत क्वांटिटी है, जो कि 50 रुपये में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो यार बेलपुरी आप नॉर्मल भी खाई होगी तो 50 रुपये में इतनी सारी बेलपुरी, और इसमें सारी वैरायटियाँ इतनी सारी हैं, इसमें आलू है जो कि कश्मीरी आलू बोलते हैं, ये अपना पापड़ी है, प्याज है, फिर ग्रेवी है थोड़ी सी, मतलब इतने आइटम है यार, और देख के ही मतलब मन कर रहा है इसको खाने का। तो पहले एक पीस हम खाते हैं, तो थोड़ा हाथ से ट्राई करते हैं, पापड़ी इतनी क्रंची है इनकी कि इसके अंदर फेटने के बाद भी क्रंच ख़त्म नहीं हुआ। मैंने अक्सर देखा है कि जब ये सारी चीज़ों में पापड़ी मिल जाती है ना तो उसका क्रंच जो है ख़त्म हो जाता है, वो फिर सॉफ्ट हो जाती है, बट इनकी पापड़ी बहुत क्रंची है। बाकी बात करूँ भेलपूरी की तो ये आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह की है ये भेलपूरी, इसमें आलू, नमकीन, इधर ये दाने, हर चीज़ मतलब बढ़िया तरीके से दिख रही है आपको, और चटपटा फ्लेवर है, जैसा आपको होगा वैसा बन जाएगा। अंकल जी को आप बस इतना बोल दो कि अंकल जी मिर्च नहीं डालनी, ये नहीं डालना, हर चीज़ ओके कर देंगे। बाकी बात करूँ भेलपूरी की,
तो भाई आप आगे ट्राई करो, बहुत बेहतरीन भेलपूरी है। तो हम ट्राई करते हैं एक बार, भेलपूरी खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने कर चुके हैं पूरी भेलपूरी को समाप्त, और भेलपूरी सच में भाई बहुत टेस्टी थी। और यहाँ का जो भेलपूरी का टेस्ट है ना, मैं सच बताऊँ आपको, सारा टेस्ट ही चटनी पर टिका हुआ है इनकी। इनकी जो रेड चटनी और ग्रीन चटनी का मिक्सअप है ना, उसी का टेस्ट है भाई मेन, जो इनकी भेलपूरी को 1 से लेके 100 तक लेके जाता है। बाकी भेलपूरी औसम है। तो भाई फाइनली हमारी फिनिश हो चुकी है भेलपूरी, और भेलपूरी में वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर था। तो एक बार अंकल जी से बात करते हैं। तो अंकल जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आप? क्या कहेंगे जी, मतलब कुछ राय, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतने सारे काम करे उसमें सक्सेस नहीं मिली, लोग बाग उम्मीद छोड़ देते हैं, आपने फिर भी उम्मीद कायम रखी। हाँ, इसमें कामयाबी मिली, अब इसमें भी थक चुके हैं, एक उम्र हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारा तो वही कहना कि जीना कोई नहीं चाहता, वहाँ मरने से डर लगता। क्या बात, अंकल जी ने ये थॉट बड़ी अच्छी बोली। तो आप सब भी ध्यान रखें, जीना कोई नहीं चाहता पर मरने से सबको डर लगता है, तो इसलिए जीना सीखें, मरने की ना सोच। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।